आपकी जिंदगी में एक अच्छा मौका आपकी किस्मत को बदल के रख सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से मिला था, लेकिन उसके बाद उनका फिल्मी करियर नीचे की तरफ जाने लगा। फिल्म हंसी तो फंसी, एक विलन, ब्रदर्स, जबरिया जोड़ी और मरजामा जैसी फिल्में फ्लॉप रही, और इसी वजह से कई फिल्म डायरेक्टर्स ने उन्हें साइन करना बंद कर दिया था। लेकिन फिल्म शेरशाह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के सुस्त करियर को एक नई रफ्तार दे दी है। उन्होंने फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार इस बखूबी के साथ निभाया है कि हर कोई उनके अभिनय की तारीफ कर रहा है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि शेरशाह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इंडिया में कुछ साल पहले तक ऑनलाइन भुगतान में लेन देन को निपटाने के लिए घंटों लग जाते थे, लेकिन अब यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से कोई भी आदमी झटपट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। बढ़ते उपयोग के साथ अब हम भारत के हर नुक्कड़ पर यूपीआई क्यूआर कोड देख सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला जहां पर एक भिक्षा साधक को क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करते देखा गया, और मजे की बात यह है कि यह क्यूआर कोड उसके सजे हुए भैंसे के सिर पर बंधा हुआ था, और एक व्यक्ति भुगतान करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा था। यह वीडियो हमारे देश की वित्त मंत्री ने शेयर किया, यह कहते हुए कि ऑनलाइन क्रांति की शुरुआत अब इंडिया में हो चुकी है। गाइस, इस डिजिटल क्रांति के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। गाइस, अमेरिका में रहने वाले कुत्ते की किस्मत खुल गई है और वो जल्द ही करोड़ों का मालिक बनने वाला है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल कुत्ते की मालकिन जिसका नाम जू एसेन है, वो प्लेबॉय मैगजीन की एक टॉप मॉडल है, और वो अपनी पूरी संपत्ति अपने कुत्ते के नाम करने वाली है। मॉडल ने इसके लिए वकीलों से बात भी शुरू कर दी है, पर कुत्ता इतनी संपत्ति का क्या करेगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। गाइस, क्या आपको भी इस कुत्ते की किस्मत से जलन हो रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिल्ली के लाजपत नगर की रहने वाली एक लड़की की फेसबुक पर 6 महीने पहले एक आदमी से जान पहचान हुई और प्यार भी हो गया। लड़की ने उसे फोन करके दिल्ली बुलाया, लेकिन उस आदमी ने लड़की को ही किसी कॉलेज के पास आने को कहा। लड़की रविवार को बताए पते पर पहुंच गई, मगर प्रेमी पहुंचा ही नहीं, और उसके बाद से उसने फोन भी उठाना बंद कर दिया। लड़की ने एक दूसरे आदमी से फोन कराया तो उस प्रेमी ने फोन उठा लिया। उस दूसरे आदमी ने बहाने से उस प्रेमी को बुला लिया, पर जब उस फेसबुक प्रेमी की सूरत उस लड़की के सामने आई तो वो भौचक्की रह गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक 62 साल का बूढ़ा था। लड़की बूढ़े को कोसती हुई घर लौट गई। अब उस बूढ़े ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। बूढ़ा बोला, मैं तो मन बहला रहा था, मुझे क्या पता था वो लड़की सच में आ जाएगी। सो गाइस, ऑनलाइन प्यार करने से पहले बड़े सावधान रहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। भविष्य में अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए कृत्रिम जगह बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, पर सवाल ये है कि ये कैसे संभव है? चलिए जानते हैं। जो आप इस फोटो में देख रहे हैं उसे बिशप रिंग कहा जाता है, क्योंकि इसकी परिकल्पना फॉरेस्ट बिशप ने की थी। इसका एरिया भारत के बराबर होगा और इसे तेज स्पीड से घुमाया जाएगा, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पैदा हो पाएगा। इसे हल्का सा तिरछा करेंगे तो यहाँ पर दिन और रात दोनों संभव हैं। पानी और जलवायु का उपाय होने पर इसे जीवन के लिए अनुकूल भी बनाया जा सकेगा। गाइस, आपको बिशप रिंग के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। रतन टाटा जी ने अपने एक इंटरव्यू में 3 ऐसी बातें बताई हैं जो कि हमें बहुत काम आ सकती हैं और हमें सफल बनाने में मदद भी कर सकती हैं। कौन सी है वो 3 बातें, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दें, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर किसी को भी फालतू समझकर नहीं बनाया है। नंबर 2, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, यदि इस बात से दूर रहोगे और सिर्फ अपने काम से मतलब रखोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। एंड नंबर 3, ये ख्वाहिश कभी मत रखना कि हर कोई आपकी तारीफ करे, बस इतनी सी ख्वाहिश रखना कि आपके माँ बाप आप पर नाज करें।
गाइस, आपको रतन टाटा जी की ये तीन सलाह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ ही सालों में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। पहले जो सिर्फ सपना लगता था, आज वो हकीकत बन गया है। और अब तो वैज्ञानिकों ने सपनों को भी नहीं छोड़ा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जापानी वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक MRI मशीन बना ली है, जो कि इंसान के सपनों को रिकॉर्ड करके उसको रीबिल्ड यानी कि पुनर्निर्माण करके उसे जागते हुए देखने लायक बना सकता है। ओह माय गॉड, यानी कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में देख पाओगे। गाइस, अब आपको ये बताना है कि आप अपना कौन सा सपना हकीकत में देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। अंतरिक्ष में शहर बसाने का सपना देख रही इंसानी दुनिया के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। वो क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार अंतरिक्ष में शिमला मिर्च पैदा करने में सफलता हासिल की है, जो अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण स्टेशन प्लांट प्रयोगों में से एक है। नासा ने बताया कि शिमला मिर्च को प्लांट हैबिटाट 04 में पैदा किया गया था, और हाल ही में शिमला मिर्च की पहली फसल की कटाई भी कर ली गई है। इस शिमला मिर्च को वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने एक शानदार टाकोज डिश में बनाकर उसका आनंद लिया। गाइस, क्या आप भी अंतरिक्ष में जाकर इस शिमला मिर्च को खाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेडिकल साइंस में कोई भी प्रॉब्लम हो और कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, उसका हल हमारे डॉक्टर्स किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के NYU हेल्थ मेडिकल सेंटर में, जहां पहली बार सुअर की किडनी को इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया। बड़ी बात यह भी है कि सुअर की किडनी इंसान के शरीर में सफलतापूर्वक काम भी कर रही है। अंगों की कमी को दूर करने के लिए सुअर के ऊपर काफी दिनों से यह रिसर्च किया जा रहा था, और इस सफल ट्रांसप्लांट के बाद से आने वाले दिनों में मानव अंगों की कमी को दूर किया जा सकता है। गाइस, मेडिकल साइंस की इस तरक्की के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। गाइस, iPhone 13 Pro Max को लॉन्च हुए कुछ ही दिन हुए, और इसका इस्तेमाल लोग जनरली मोबाइल के तौर पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी इसे खरीद रहे हैं, और वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं बल्कि इलाज करने के लिए। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि इसके कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये अपने मैक्रो मोड में आई कैप्चर करके शार्प डिटेल्ड इमेज कैप्चर कर सकता है, जिसकी सहायता से डॉक्टर आसानी से इलाज कर सकते हैं। गाइस, आपका iPhone 13 के इस फीचर के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।